एक बार फिर यहाँ पे आ गए हैं लकड़ी के पुल पे। तो ये मस्टांग के पहाड़ देख लो यार, बिल्कुल ये नीचे वाले तो स्पीति की तरह कटिंग लग रही है। जो स्पीति रास्ते में जाते हैं आप, स्पीति देखते हो तो उसी तरह के है बिल्कुल। और हमारे हो गया है दर्शन मुक्तिनाथ के, और इसके अलावा हमने गौतम बुद्ध का स्टैचू भी देखा और ज्वाला देवी मंदिर भी देखा। और अब जा रहे हैं काग बेनी विलेज जा रहे हैं, आखिरी विलेज और इस एरिया का, और वहाँ से मस्टांग शुरू हो जाता है। ये देखो बादल भाई, शाम को फिर लग रहा बारिश होने के पूरे पूरे चांस है। फटाफट घर पहुँचे, पहले काग बेनी जाएंगे फिर दुम्बा लेक जाएंगे और फिर देखते हैं कुछ और वहाँ पे कोई अच्छा गांव है एक दो, और टाइम मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। और कल फिर वापसी है हमारी, और ये अब लेफ्ट हैंड को जाएंगे तो अपना जोसोम चले जाएंगे, जोमसम, और राइट को कागबेनी। तो ये है कागबेनी, मस्टांग का आखिरी गांव जो आप देख पा रहे हैं। सामने है मोनेस्ट्री और ये बड़े बड़े पहाड़ चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पीते हैं एक कावा चाय और फिर चलते हैं वापसी। और ये गेटवे ऑफ मस्टांग है, और यह परमिट वगैरह यहीं से बनता है। और ये सामने मोनेस्ट्री, बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री है, रेस्टोरेंट एंड बार, चाय पी ले। तो अपना खाना पीना हो गया है और अब आए हैं देखने कागबेनी के घर, ओल्ड हाउसेस, पुराना गांव देखने। ये पुराने घर हैं, ओल्ड गांव, ये देख लो कागबेनी का पुराना विलेज, ओल्ड विलेज कहते हैं इसको, जो सिर्फ पत्थर और गारे से बना हुआ है, ये देख लो। इसी के लिए यहाँ बोला जाता कि यहाँ पे कागबेनी आओ, होटल व्यू पॉइंट। ये सारा ओल्ड विलेज है भाई, भाई साहब, भाई लोग, गाइस, ये सब घर हैं ऊपर, ये जितने भी पूरे हैं, ये बीच में गली है और आसपास ऊपर घर घर बना रखे हैं। ये देखिए मिट्टी घर है, पत्थर मिट्टी के कच्चे घर। तो कागबेनी में आप पुराने समय के, बहुत पुराने समय के घर देख सकते हैं, और वे उसी कंडीशन में हैं। और फ्रंट में आप जाएंगे तो नए टाइप के घर मिलेंगे, सीमेंट के, पत्थर के, और ये हैं मिट्टी और पत्थर के घर। ये देख लो ऊपर से निकल रहा। तो अब चलते हैं वापसी और लेक पे चलते हैं। तो कागबेनी में देखने की जगह तो बहुत हैं, ओल्ड पैलेस है, मेल खैनी है, यहाँ पे एक वाटर मिल है, पानी से मिल चलती है, और 500-600 साल पुराने घर जो अभी मैंने दिखाए ये भी देखने के लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम जा रहे हैं जोमसम वापसी, और वहाँ जाएंगे दुम्बा लेक। तो अभी मेरे टॉप बॉक्स का बोल्ट गिर गया था एक, तो वो बोल्ट लगा लिया है। ये मेरे जो गेस्ट हाउस है, होटल है, इसी में इनका सर्विस स्टेशन है, स्पेयर पार्ट वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो अभी चल रहे हैं दुम्बा लेक, 1 किलोमीटर के बाद कोई कट है, वहाँ से मुड़ना पड़ेगा। और बूंदाबांदी आ रही है कल की तरह सेम, कल भी इसी तरह हो रही थी बूंदाबांदी, और पूरी
रात भर चली थी और मुझे नहीं लगता ये रुकने वाली है। नाम बताओ, नाम मेरा नाम आदित्य तामंग है। वेरी गुड। और ये जीने से पता नहीं कहाँ से जो ताल ताल पे दुम्बा दुम्बा था। उधर तक छोड़, बैठ जा बैठ जा, मैं एक ही। हाँ, और ये लोग, ये पतला है क्या? ये उधर इसका उसका घर उधर ही है, इसके बाद हम बैठेंगे। ठीक है, धीरे से अंकल। दिल्ली से? नहीं, ऑफ रोडिंग ही तो हो रहा है ये। इधर जाना फिर ताल 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 के लिए इधर 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 जाना है, इस रोड रोड पे जाना है और इधर अब ऊपर ताल दिख जाएगा। लकड़ी का पुल पार कर रहे हैं। काली गंदगी रिवर। ऐसा आ रहा है, चल बाय चल, उधर इंसान होंगे उन लोगों को पूछना। बाय 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 भाई साहब, कहां कहां से लेके आए हैं पता नहीं। ओफ, फाड़ के हाथ में आ गई। इस टूर पे तो बहुत बहुत सारा एडवेंचर हुआ है मेरे साथ। पहले तो सस्पेंशन ब्रिज पार किया, अब ये लकड़ी का पुल जो किसी मेरे उसमें नहीं था, लिस्ट में नहीं था। ये देख लो भाई, खतरनाक रोड है ये, रोड नहीं कहेंगे रास्ता है, पथरीला रास्ता। ओहो, दुम्बा ताल ने तो हिला के रख दिया। मैं सोचा कोई अच्छी रोड होगी, ये तो बहुत ही सबसे खतरनाक ऑफ रोड है अभी तक की। पता नहीं ये रास्ता सही भी है कि नहीं है। चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ। तो गाइस, मेरे पीछे है दुमका लेक और ये नीलगिरी जो माउंटेन्स हैं उसका जो स्नो का पानी है पिघल के इस लेक में आता है। और ये ग्रीन कलर की है, और जब ये रेड कलर की होती है तो इसकी कुछ पूजा होती है। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में इसको पूजा जाता है, मान्यता है। इसमें ना फिशिंग अलाउड है, ना तैराकी अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। तो ये है दुमका लेक, है छोटी लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन रास्ता बहुत ही ख़राब है। और बाइक मुझे नीचे छोड़नी पड़ी क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा आ गया था और कीचड़ बना हुआ था, बारिश के कारण कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो 2 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ और लकड़ी का पुल क्रॉस करा और स्टेप्स जो एक कॉलोनी थी उसके अंदर से स्टेप्स क्रॉस करके आया हूँ। बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, अभी दूसरा रास्ता ढूँढूँगा कोई अच्छा। तो अभी करते हैं फोटोग्राफी और फिर चलते हैं वापसी। ये है दुमका लेक। तो गाइस, मैं अपनी बाइक यहाँ खड़ी करके 3 किलोमीटर ट्रैक करके गया हूँ दुम्बा लेक देखने, और 3 किलोमीटर ट्रैक करके वापस आया हूँ। ये बहुत बड़ा खड्डा है और बहुत गहरा है, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बाइक यहीं छोड़नी पड़ी। निकाल तो लेता लेकिन बाइक फंस जाती, फिर दिक्कत होती है क्योंकि कोई साथ में था नहीं।
साइड से निकाल लेता लेकिन कपड़े ख़राब हो जाते, जूते जूते सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब वो पुल, लकड़ी का पुल पार करना सबसे टफ चैलेंज है, तो पार करते हैं अब। ये हम आ गए हैं मेन हाईवे, और लगभग 6 बज चुके हैं पूरे, और हम निकले थे 11 बजे, यानी कि 6-7 आवर लग गए हमें पूरा एक्सप्लोर करने में जमसम के आसपास मुक्तिनाथ। और ये देख लो चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, काले बादल, बहुत कई जगह तो बहुत रेन आ रही है। अभी कलकत्ता से 2 राइडर आए हैं, पूरे भीगते हुए आए हैं। सुबह 10 बजे निकले थे और 6 बजे पहुँचे, फिर भी टाइम से पहुँच गए। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर हम ख़त्म। अब मेरा है टी ब्रेक। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट करना। आपने मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, और इस बात पे एक लाइक ज़रूर करना। और कोई मेरा नया व्यूअर्स है तो आपको पता है क्या करना, सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, सायनारा।